नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम केट 2014 में क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे। तो जो हम आज पेपर सॉल्यूशन है वो हमारा गेट 2014 और क्लासिकल मैकेनिक्स। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था क्लासिकल मैकेनिक्स से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रखा है, इफ़ द हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट्री पार्टिकल मूविंग विथ स्पीड 0.9 सी इन द लेबोरेटरी फ्रेम इज 5×10⁻⁸ सेकेंड, देन द प्रॉपर हाफ लाइफ ज्ञात करनी है आपको। और ये ज्ञात करना आपको 10⁻⁸। और देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन डेटा है। आपको स्पीड दे रही है, वेलोसिटी कितनी है 0.9 सी, और यहाँ पर जो सी है उसको कह रखा है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट है और आगे क्या कर रखा है ये देर, और अब आगे देखिए क्या है। आपको टाइम और दे रखा है, हाफ लाइफ टी दे रखा है, वो है टाइम देगा 5×10⁻⁸ सेकेंड। और आपको पूछ रहा है प्रॉपर हाफ लाइफ कितने होगी। प्रॉपर हाफ लाइफ कितनी होगी, ये गिवन डेटा है जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। और देखिए, यदि आपको प्रॉपर हाफ टाइम और इम्प्रॉपर हाफ टाइम का जो रिलेशन है वो देखिए क्या, ये गिवन डेटा आप इसको देखिए। जो हमारा प्रॉपर हाफ टाइम होता है टी नोट, ये है टी नोट। टी नोट हमें ज्ञात करना है और टी हमें गिवन है। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर जो रिलेशन होता है वो होता है टी इक्वल टू, यदि आपको ये रिलेशन पता है, 1−v² / c², ये रिलेशन पता है तो आप प्रॉपर हाफ टाइम को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। हमें जो हाफ लाइफ टाइम है वो दिया हुआ है। अब देखिए इसको, इन जो हमारे पास गिवन डेटा है उनको इसमें पुट कीजिए। तो देखिए हम इनको यहाँ पर जब रखते हैं, टेन और तो हमें ज्ञात करना है तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, 1−v² / c². आगे देखिए, हमें टी दिया हुआ है, जो हाफ लाइफ टाइम है वो हाफ लाइफ वो दी हुई है, वो है 5×10⁻⁸ और 1- स्पीड दे रखी है हमें 0.9, तो 0.9 c² / c². तो यहाँ से 5×10⁻⁸ और इसको सोल्व करेंगे तो 1−0.9² × c² कैंसिल आउट, 5×10⁻⁸ और यह है 1−0.9² लेके 5×10⁻⁸। और इसको जो हम 1−0.81 तो ये आएगा हमारे पास √90 5×√90, और हमें आंसर ज्ञात करना है 10⁻⁸ सेकेंड में, तो 10⁻⁸। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है, ये 0.19
देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है। आप जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हम कैलकुलेटर से करते हैं, तो जब 5, तो ये आता हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद 2.18 × 10⁻¹¹। तो इस यूनिट में तो हमें ज्ञात करना था, तो जो राइट आंसर होगा वो होगा 2.18। ये है हमारे पास प्रॉपर लाइफ टाइम। क्या ये प्रॉपर हाफ लाइफ, ये था हमारे पास क्वेश्चन। यदि आपको इसमें रिलेशन पता होता हाफ टाइम और प्रॉपर हाफ लाइफ में, तो देखिए t = 10 और 1 - v² / c², यहाँ पर v है वेलोसिटी, c स्पीड ऑफ लाइट, t नोट है प्रॉपर हाफ टाइम, प्रॉपर हाफ लाइफ और ये हाफ लाइफ। यदि इतना आपको रिलेशन पता था तो आप इस क्वेश्चन को इजी से हैंडल कर सकते थे। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, गेट 2014 में जो भी क्लासिकल मैकेनिक्स से पूछा गया था, वो देखिए क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उसमें क्या कर रखा है, ये है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मर्स ट्रांसफॉर्मेशन से। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन में क्या रखा है, गिवन दैट की द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए जनरल कोऑर्डिनेट क्यू एंड द क्रोस्पॉन्डिंग मोमेंटम पी। हमें क्यू दिया, q = q + 4ap और पी, ये हमें दिया है q + 2p इज कैनोनिकल। द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट ए इज, तो जो हमारे पास कॉन्स्टेंट ए है इसकी वैल्यू क्या होगी ताकि ये कैनोनिकल हो। तो हमें जो पता है वो है (Δq)/Δq, डेल्टा जो कंडीशन है कैनोनिकल की होने के लिए वो (Δp)/Δp माइनस (Δq)/Δp, (Δp)/Δq ये होना चाहिए 1 के इक्वल। तो आप (Δq)/Δq के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो (Δq)/Δp, पी के रिस्पेक्ट करना है, क्यू का 0, ये होगा 4a। अब (Δp)/Δp के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, (Δq)/Δq के रिस्पेक्ट में (Δq), तो पी तो कॉन्स्टेंट है क्यू का 1। अब (Δp)/Δp के रिस्पेक्ट में तो ये आएगा, ये तो क्यू 0, ये 2 आएगा। अब हमें याद करना है (Δq)/Δp, (Δq)/Δp। अब क्यू को पी के रिस्पेक्ट में कही, क्यू तो 0, ये आएगा हमारे पास 4a। और इसी तरह (Δp), ये हमारे पास (Pp)/Pवो (Δq)। तो पी को क्यू के रिस्पेक्ट में, पी ये है हमारे पास, इसको क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पी तो 0, ये 1, तो आएगा हमारे पास (Δp)/Δq, इसकी वैल्यू है हमारे पास 1। अब इन सब वैल्यू को, ये इन सब वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो देखिए क्या आएगा पास, ये (Δq)/Δq 1, ये हमारे पास 1 × (Δp)/Δp, (Δp)/Δp है हमारे पास 2, माइनस (Δq)/Δp माइनस (Δp)/Δp, ये हमारे पास 4a, (Δq)/Δq (Δp)/Δq, ये है हमारे पास 1। अब a की वैल्यू क्या हो ताकि ये 1 के इक्वल हो जाए, ये एक न्यूमेरिकल आंसर टाइप था, इसमें ऑप्शन गिवन नहीं थे, तो आपको खुद से इसको सॉल्व करना था। तो अब ये (Δq)/Δq है, तो ए की वैल्यू क्या होता कि ये 1 हो,
तो ए टू माइनस फोर ए इक्वल्स टू वन। आप ए को वन पुट करेंगे तो माइनस टू आएगा, वन बाई ए इक्वल टू, यदि हम वन बाई टू पुट करते हैं टू माइनस फोर इंटू वन बाई टू, ये टू ये आएगा जीरो के इक्वल, जीरो के इक्वल आएगा वो भी कौन नहीं है, ये ए वन वन बाई टू। एक की वैल्यू तो हमें ज्ञात करनी है ना ताकि ये कैनोनिकल हो, तो यहाँ से एक की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। हमने कैनोनिकल की ट्रांस जो कंडीशन है वो लगा दी, तो अब इस टू को उधर ट्रांसफ़र कीजिए तो ये आएगा हमारे पास टू माइनस वन इक्वल्स टू फोर, ए वन बाई बराबर ए बाई फोर, तो ए आया वन बाई फोर, तो ज़ीरो पॉइंट टू फाइव। एक की वैल्यू जो हमारे पास एक गिवन था क्यू इक्वल्स टू क्यू प्लस फोर ए पी, तो ए है उसकी वैल्यू टू ज़ीरो पॉइंट टू फाइव होगी या वन बाई फोर, ताकि ये जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है ये एक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो एक की वैल्यू होगी हमारे पास वन बाई फोर या ज़ीरो पॉइंट टू फाइव। ये थे हमारे दो क्वेश्चन जो क्लासिकल मैकेनिक्स से गेट 2014 में पूछे गए थे। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।